हम लोग पिछले क्लास में साइंटिफिक मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में तीन तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया था। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ था? टास्क आइडिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में तीन चीज हम लोग पढ़े थे, टाइम स्टडी, समय के बारे में, उसके बाद हाँ हाँ नहीं, इतना खाली तो दो तीन चीज हम लोग उस समय पढ़े थे। टाइम स्टडी पढ़े थे कि समय का अध्ययन कैसे किया जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे उसका गति का अध्ययन पढ़े थे। तीसरा उसका हम लोग थकान का अध्ययन पढ़े थे। थकान कितना तरह का होता है वो पढ़ लिए थे। तो लगभग उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया था। आज हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो व्यक्ति अपने जिंदगी में सही समय पर सही प्लानिंग करता है वही सही समय पर सक्सेस कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में कोई प्लानिंग नहीं करके चलता है, बस यूं ही चले जा रहा है, चले जाना, और कोई प्लानिंग नहीं है, तो वैसे आदमी के सक्सेस होने पर बड़ा संकोच होता है कि वो आदमी संकोची किस्म का होता है। मतलब वो सक्सेस होने का उसका लक्षण कम होता है। तो प्लानिंग किसी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के तहत माना जाता है। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कल क्या करना है उसके लिए आज सोचना, ये एक प्लान है। कल हमारे फैक्ट्री में, कल हमारे बिजनेस में क्या होगा, कल हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आज सोचकर, उसके लिए आज तैयारी करके रखना, यही एक प्लान है। भारत एक दूरदर्शी देश रहा है। भारत में लोगों की जो सोच होती है वो पूर्व में ही निर्धारित हो जाती है। तो यही दूरदर्शी सोच होने का एक डिसीजन लेना चाहिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कि कल हमको क्या करना है, किनसे क्या करवाना है, कौन क्या काम कल करेगा। तो ये सब चीज प्लानिंग के तहत बनाया जाता है। और ये योजना विभाग होना चाहिए। हर एक कंपनी में एक योजना विभाग होना चाहिए। उस योजना विभाग का ही काम रहेगा प्लानिंग बनाने का कि कौन सा चीज का हमको प्लानिंग बनाना है। एक कंपनी में इसी के तरह एक कार्यक्रम बनाया गया था कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक बॉक्स दिया हुआ गया था। जैसे अलमारी होता है ना, तो अलमारी बहुत बड़ा साइज का होता है, एक छोटा छोटा केबिन टाइप का बॉक्स दिया हुआ था। छोटा छोटा बॉक्स था लकड़ी की अलमारी का बना हुआ। और उस बॉक्स में आज जैसे कर्मचारी 5 बजे छुट्टी करके चला गया, तो उस बॉक्स में आज ही लिख के ये डाल दिया जाता था कि कल आपको आते साथ क्या काम करना है। उसमें दो पुर्जा डाला जाता था। पहला पुर्जा डाला जाता था कि कल आपका वर्क क्या है। मतलब वो आया और उसको ये पता हो गया कि कल हमको ये काम करना था, आज हमको ये काम करना है। वो उसको पता होना चाहिए पहले से। मतलब आया और फिर उसको पूछने के लिए समय नहीं मिलना चाहिए कि हम पूछने जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, वो पहले तय हो जाना चाहिए। तो ये प्लानिंग के तहत होता है। दूसरा चीज कि अगर किसी को हम कल के बजाय आज नया काम दे रहे हैं, तो नया काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो औजार है, वो उसको कहाँ पर मिलेगा, ये भी लिखा होना चाहिए। तो उसके छोटे से जो बॉक्स बने हुए रहते थे उसमें दो पुर्जा डाला जाता था। एक पुर्जा ये डाला जाता था कि आज आपको कौन सा काम अडॉप्ट करना है। अगर आप सुबह आ गए हैं तो आप कौन सा काम करेंगे पहला, और दूसरा जो काम करेंगे उससे संबंधित सामान आपको कहाँ पर मिलेगा, वो सामान कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये दूसरा चीज होता था कि उसका सामान हमको खोज के लिख देना पड़ता था। उसमें दो पुर्जा होता था, आपका काम पहले से टारगेटेड होता था, और दूसरा आपको वो काम से संबंधित जो औजार है वो औजार कहाँ मिलेंगे ये भी पहले से तय करना पड़ता था कि वो खोजने नहीं लगे कि मेरा सामान कहाँ है, उसमें पता चलेगा आधा घंटा वो बिता दिया है। तो ये होता है प्लानिंग। प्लानिंग के तहत प्रत्येक काम का मैंने पहले से डिस्क्रिप्शन तय होना चाहिए कि हमको क्या करना है। उस डिस्क्रिप्शन के अनुसार से उसका इंस्ट्रूमेंट भी पहले से तय होना चाहिए कि उसका इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेगा। तो ये सारा प्लानिंग के तहत आता है। प्लानिंग में जब हम लोग सक्सेस कर जाते हैं तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, वो कहलाता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, दो पार्ट इसमें, एक साइंटिफिक सिलेक्शन है और एक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर है।
साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी कर्मचारी का वैज्ञानिक तरीके से चुनाव करना। हम उसका जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो साइंटिफिक वे में कर रहे हैं। पहले जो सिलेक्शन किया जाता था वो ट्रेडिशनल मेथड में किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन होता था, कुछ उसको लिखने के लिए दिया जाता था, वो कुछ लिख लेता था, लिखने के बाद उसको क्या किया जाता था, इंटरव्यू लिया जाता था और इंटरव्यू में उससे पूछा जाता था। लेकिन आजकल का जो इंटरव्यू है, जो सिलेक्शन का तरीका है, वो पहले से थोड़ा बदला हुआ सिलेक्शन का तरीका है। इवन कि हाल में ही आप एक देखे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा एक वर्कर का रिक्रूटमेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें एक दिखा रहा है कि तीन वर्कर बैठे हुए हैं और तीन वर्कर बैठे हुए जिसका सिलेक्शन होना है, और वो वर्कर में पहले ही ये तय था कि आपको इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। ये पहले तय कर दिया गया था कि इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, तभी आपको वो काम मिलेगा। सुपरवाइजर का जो वर्क था वो तभी मिलेगा जब आपको इंग्लिश आती होगी। तीन लोग बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए, तीनों लोग बैठा हुआ था वहां पर कि मेरा नंबर आएगा, सब अपना अपना कागज लेकर गया हुआ था। एक बंदा था जिसको इंग्लिश नहीं आता था बढ़िया से, उसके पास इंग्लिश की अच्छी जानकारी नहीं थी, और दो बंदा ऐसा था जिसको इंग्लिश की पूरी अच्छी जानकारी थी, और वो दोनों ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ये अंडर कॉन्फिडेंस में था। चूंकि पहले ही ये शर्त था कि सुपरवाइजर उन्हीं को बनाया जाएगा जिनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो ये दो जो ज्यादा थे इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि शायद हम ही लोग दोनों से किसी एक का दोस्ती जो दोनों में होगा वो दोस्त में से कोई एक का चयन हो जाएगा, और दूसरा को लग रहा था कि हम तो शायद संभव नहीं है। उसी बीच में तीनों आदमी बैठे हुए थे रिसेप्शन सेंटर पर और इंटरव्यू का पैनल शुरू होने वाला था, और उसी बीच एक आदमी आया, वो ट्रे लिए हुए था, ट्रे में ग्लास था, ट्रे के ऊपर ग्लास था, ग्लास के अंदर पानी था, और वो लेके घूम रहा था। तो जो इंटरव्यू देने वाला एक बंदा आया था उसने अंग्रेजी में उससे कहा कि कम हेयर मिस्टर, वो समझाने की कम हेयर मिस्टर जो एक दूसरा व्यक्ति था, ये तीन में से नहीं, वो कोई दूसरा व्यक्ति था, तो कम हेयर मिस्टर वो समझा नहीं अगला व्यक्ति कि ये बोल क्या रहा है, कि कम हेयर मिस्टर का मतलब क्या होता है। वो नॉर्मली ट्रे में ग्लास और ग्लास में पानी लेके चल रहा था, वो चलता जा रहा था। तो दूसरा व्यक्ति जो कम हेयर बोला था, उसका जो दूसरा दोस्त था, उसने बड़ा अपशब्द देके बोला कि ये चपरासी तुम्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये तुम्हें बुला रहे हैं यहाँ पर। बोला कि नहीं मुझे सर इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए मैं नहीं समझा। बोला इधर आओ और मुझे पानी दो, ग्लास का बोतल दो। वो ग्लास का बोतल, ग्लास और पानी और बोतल जो भी था ट्रे में, वो उसको पकड़ा दिया, सर्व कर दिया। दूसरा आदमी देख रहा है, जो तीसरा आदमी था जिसको इंग्लिश कम आता, तो उसको तो ये लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन अब होना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें हो रही है सब आपस में इंग्लिश में लोग बातें कर रहे हैं। वो बड़ा सहमा हुआ था। तो जो दो दोस्त थे जो इंग्लिश अच्छी तरह से जानते थे, उसमें से एक दोस्त ने ग्लास लिया और दूसरे दोस्त ने क्या किया कि वो ग्लास के बगल में एक कागज का टुकड़ा था, वो कागज का टुकड़ा फेंक दिया जान कुछ क्या, और उस बंदे को कहता है कि जो एक व्यक्ति जो पानी लेकर आया था उसको बड़ा डांट के ये कहता है कि वो कागज का टुकड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि तुम इसे उठा के रख सको अलग से, जान बुझ के वो कागज फेंका है, लेकिन फिर भी उसको वो प्रेशराइज कर रहा है कि ये कागज तुम उठा के नहीं फेंक रहा है। वो बेचारा भोला भाला था जो पानी लेकर आया था, वो कागज का टुकड़ा उठा के पैकेट में डाल लिया। थोड़ी देर के बाद वही आदमी फिर घूम कर आता है, वो कहता है कि सर मेरे को बैंक में एक फॉर्म फिलअप करना है और वो फॉर्म अंग्रेजी में है, मुझे भरना नहीं आता ये फॉर्म, आप लोग तीनों में से कोई मेरी मदद करेंगे। तो उस जो इंटरव्यू देने के लिए जो तीसरा बंदा था, वो खुद पहले कहता है कि देखिए बहुत ज्यादा तो मेरी अंग्रेजी मजबूत नहीं है, ये दोनों की अंग्रेजी बहुत अच्छी मजबूत है, इनसे प्रयास आप करवाइए। वो दो बंदा था, वो दोनों बंदा क्या बोलता है कि मैं यह इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़कर आया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपकी फॉर्म भरने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपकी फॉर्म नहीं भरूंगा। तीसरा बंदा था बोला ठीक है लाइए, मुझे जितना आता है मैं उतना अंग्रेजी में फॉर्म भर देता हूँ। वो तीसरा बंदा उसके फॉर्म को भर देता है। अब वो व्यक्ति फॉर्म लेकर चला जाता है। नेक्स्ट, अब प्रोसेस आती है ये तीनों की इंटरव्यू होने की बारी आती है। आप लोग मेरे इस कहानी को समझ पा रहे हैं हम क्या ये कहानी बताना चाह रहे हैं? कहानी में कुछ समझ में आ रहा है? यस यस सर। अब उसके बाद वो तीनों बंदा का इंटरव्यू शुरू हो जाता है और वो तीनों को चैम्बर में एक साथ बुलाया जाता है। पहली बार ये लोग आश्चर्यचकित है कि कभी भी इंटरव्यू हुआ है तो एक एक करके तो बुलाया जाता है, ये पहली बार है कि तीनों को एक साथ बुलाया गया है। दो जो ओवर कॉन्फिडेंस में सूट बूट टाइम में थे, जिनको अंग्रेजी बहुत अच्छी मजबूत थी, उनको तो ऐसा लगा कि हम ही लोग दोनों में से होगा, क्योंकि ये शर्त है इसका कि इंग्लिश आनी जरूरी है। और दूसरा जो तीसरा जो बंदा था उसको तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम तो बाहर छटनी जाएंगे क्योंकि मेरा अंग्रेजी इतना मजबूत नहीं है। अंदर जब गया, पैनल के पास बैठा तीनों आदमी, तो जो एक श्रीमान जी अंदर बैठे हुए थे, मिस्टर जो थे, हैंडसम मिस्टर थे, वो मैनेजर थे, उन्होंने उस बंदे को सेलेक्ट किया जो बंदा को अंग्रेजी नहीं आता था, और उस दोनों बंदे को रिजेक्ट कर दिया जिसको अंग्रेजी आता था।
इस दोनों ने ये प्रोटेस्ट किया कि भैया हमारी तो इंटरव्यू हुई नहीं, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया, हमारा तो रिज्यूम देखा ही नहीं गया, हमारे बारे में तो कुछ आप जाने ही नहीं, अभी तो हमारा कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ही नहीं था कि हम आपको कुछ जवाब दे सके, कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन ही नहीं हुआ, तो आप छांट कैसे दिए? हमको ये समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंटरव्यू हुआ कि बिना पूछे आप हम लोग को छांट दिए। तो जो मैनेजर था उसने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो ग्लास में पानी लेकर आदमी आया था वो इस कंपनी का नौकर नहीं था, वो इस कंपनी का मालिक था, और उसका इंटरव्यू लेने का ये तरीका था। वो जानना चाहता था कि आप तीनों में से अगर सुपरवाइजर को हम जिससे बनाना चाहते हैं, ये तो ठीक है अंग्रेजी आना जरूरी है, लेकिन आप सुपरवाइज करेंगे कैसे, कर्मचारियों के बीच तालमेल कैसे बैठाएंगे। वो मालिक था, वो कोई चपरासी नहीं था जो पानी का बोतल लेकर आया था, और जिसने अंग्रेजी में फॉर्म भरने के लिए कहा वो खुद मालिक है, वो उसे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, और वो उसने आपके अंग्रेजी का भी कदर कर लिया कि किनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है और किनकी अंग्रेजी कितनी खराब है। तो मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये जस्ट एक सेलेक्शन का तरीका है। अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठेंगे, देन हम लोग इंटरव्यू में जाएंगे, और अंदर में जो चैम्बर में एक्सपर्ट 3-4 एक्सपर्ट होंगे वो हमसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन ये देखिए एक साइंटिफिक सेलेक्शन का आपको हम तरीका बताएं जिसमें किस तरीके का इंटरव्यू हुआ, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी इंटरव्यू हुआ। और वो जो ग्लास में पानी लेकर ट्रेन में आया था, बोतल लेकर आया था, जो कागज को उठाया था, वो था मालिक उस कंपनी का जिसने बिल्कुल अजीब तरीके से आपका इंटरव्यू लिया। जो जानना चाहा कि अगर एक नया आदमी आएगा तो इसके साथ ये तीनों में से कैसा व्यवहार करेगा, अगर वो बता दिया होता कि हम मालिक है तो तीनों बड़ा लिबरल व्यवहार करते, आपका नॉर्मल व्यवहार में से ये देखना चाहा कि आपका नॉर्मल व्यवहार में से लिबरल व्यवहार किसका होगा। तो ये साइंटिफिक ट्रेनिंग सिलेक्शन का एक तरीका है। साइंटिफिक सिलेक्शन में ये ध्यान से सोचना पड़ता है कि हम जिस व्यक्ति को एडॉप्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, वो उस व्यक्ति से हमारा ऑब्जेक्ट सर्वाइव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति से हम अपना वो ऑब्जेक्ट पूरा करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। अगर उस व्यक्ति से आप अपना ऑब्जेक्ट पूरा नहीं करवा पाएंगे तो बेहतर है कि वैसे आदमी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो आपके संस्था का, जो आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट को ही नहीं पूरा कर पाएगा तो वैसा सिलेक्शन करने का कोई तरीका नहीं। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल ये है कि जब भी व्यक्तियों का सिलेक्शन हो तो साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है। आज के डेट में वर्कशॉप होते हैं, कोई भी वर्कशॉप क्यों होता है, आपको ट्रेंड करने के लिए, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको उसकी जानकारी दी जाती है कि आप उसके बारे में जानिए। पहले के जमाने में जब ट्रेडिशनल मेथड था, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं था, तो कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की जाती थी। जो जितना सीखा है वो उतना ही काम करे और कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। अब के जमाने में किसी भी नया काम को इम्प्लीमेंट होने से पहले ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल नयापन आएगा तो जो वर्कर आपके पास है, जब वो ट्रेंड नहीं होंगे, जब उनको नॉलेज नहीं होगा, तो वो साइंटिफिक वे का प्रयोग कैसे करेंगे। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है अपने सिद्धांत में कि हमेशा आपको जब भी सिलेक्शन करना हो किसी कर्मचारी का, तो ट्रेंड पर्सन अगर मिल गया तो बहुत अच्छे हैं, फ्रेशर्स नहीं हो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि फ्रेशर्स को सिखाना पड़ता है और ट्रेंड ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। तो सिलेक्शन करते समय साइंटिफिक वे को अडॉप्ट कीजिए, और उसके बाद आपने कर्मचारी जो सिलेक्टेड किए हैं अगर वो ट्रेंड है तो अच्छी बात है, और अगर ट्रेंड नहीं है तो उनका ट्रेनिंग दिलवाना आपकी पहली जिम्मेवारी रहती है। जब तक आप उनको ट्रेनिंग नहीं दिलवाएंगे तो शायद वो उतने कैपेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे और आपका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। इसके तहत उसने दो तीन काम बताए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत उसने दो तीन काम बताए। सबसे पहले कि जिस व्यक्ति का आपने सिलेक्शन किया है उसका फिजिकल और मेंटल पोजिशन का आप कंप्यूटेशन कीजिए। जिस व्यक्ति का आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का फिजिकल और मेंटल स्थिति का आप कंप्यूटेशन कीजिए कि वो जो व्यक्ति है
आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो अभी हम लोग क्या कहे ना कि उसमें ये कहा गया कि जिस आदमी का आप सिलेक्शन कर रहे हैं पहले उसका फिजिकल और उसका मेंटल आप कंप्यूटेशन कर लीजिए। फिजिकल और मेंटल कंप्यूटेशन का मतलब है कि वो आदमी काम करने के कितना योग्य है। काम करने का मतलब कि उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति उस लायक है कि नहीं लायक है। अभी आप जो वैकेंसीज निकलते हैं उसमें आप देखते होंगे कि वैकेंसीज में कुछ डिजेबल पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ रिजर्व रखा जाता है सीट। इसलिए रिजर्व रहता है कि अगर सारे लोग उनको छाट ही देंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। वो तो मान लीजिए कि प्रकृति का उसके साथ दुष्परिणाम हो गया कि वो डिजेबल हो गया है या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, वो शारीरिक रूप से विकलांग हो गया है और सारे लोग उसको काम ही नहीं देंगे, तो वैसे स्थिति में क्या वो समाज से बिल्कुल कट जाएगा? समाज उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, तो वैसे स्थिति में उनका सीट रिजर्व रखा जाता है। तो वैसे स्थिति में अगर कोई डिजेबल पर्सन का आपने अपॉइंटमेंट किया है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस डिजेबल पर्सन से आप मेंटल वर्क करवा लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा बजाय फिजिकल वर्क के। अगर फिजिकल वर्क उसको आप देते हैं तो वो शोभनीय नहीं होगा और वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड है और हैंडीकैप्ड आदमी से आप मेंटल वर्क लीजिए, फिजिकल वर्क नहीं लीजिए। और कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है तो उस कम पढ़े लिखे आदमी से आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप उसे फिजिकल वर्क ज्यादा लीजिए और उससे मेंटल वर्क कम लीजिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा उतना नहीं है। तो यहाँ पर है सही व्यक्ति को सही काम देना। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि जो सही आदमी है उसको सही काम दीजिए और जो गलत आदमी है उसको वो काम मत दीजिए। मतलब सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिकली रूप से जो फिट है उसको फिजिकली वर्क दिया जाए, जो मेंटली रूप से फिट है उसको मेंटली वर्क दिया जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें यही वर्ड कहा है सिलेक्शन में कि जब भी पेमेंट किया जाए तो रीजनेबल व्यक्ति को रीजनेबल सैलरी मिलना चाहिए। जो रीजनेबल आदमी है, जो जिस योग्य है उसको उस योग्य सैलरी मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग आते हैं साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ टास्क। अभी जस्ट हम आपको एक कहानी बताया भी कि सही आदमी को सही वर्क, राइट जॉब टू द राइट पर्सन। जो आदमी जिस लायक है, जब भी एलोकेशन किया जाए वर्क का तो एलोकेशन करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आदमी जिस चीज के लिए फिट है उस आदमी को वही काम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिजिकली फिट आदमी को मेंटल वर्क दे दिए और मेंटली फिट आदमी को आप फिजिकल वर्क दे दिए, तो ये साइंटिफिक अलॉटमेंट का पार्ट नहीं होता है। साइंटिफिक अलॉटमेंट होने के लिए ये निहायत जरूरी है कि सही आदमी को सही काम, राइट जॉब टू द राइट पर्सन होना चाहिए। छठा प्रिंसिपल है इंसेंटिव वेजेज सिस्टम। इंसेंटिव वेजेज सिस्टम क्या है? ये किसी भी आदमी को मोटिवेट करने का एक तरीका है। इंसेंटिव वेजेज सिस्टम में क्या किया जाता है कि पहले जो एम्प्लॉयर होता है, जो व्यक्ति होता है, उस एम्प्लॉयर को एक स्टैंडर्ड टास्क दे दिया जाता है, एक प्रमापित कार्य दे दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है, और स्टैंडर्ड टास्क के अगेंस्ट में देखा जाता है कि वो एक्चुअल में कितना काम पूरा किया है। अगर वो एक्चुअल में काम करता है स्टैंडर्ड के बराबर तो हम ये कहेंगे कि वो जो एम्प्लॉय है वो एवरेज एम्प्लॉय है। अगर कोई एम्प्लॉय स्टैंडर्ड से कम काम करता है, अगर उसका एक्चुअल वर्क कम है, तो हम ये कहेंगे कि ये एम्प्लॉय शायद आपके बिजनेस के लिए, आपके संस्था के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड वर्क से बियॉन्ड कर देता है काम, तो आप ये कहेंगे कि ये वर्कर जो है इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है तो जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है हर हाल में वैसे आदमी को इंसेंटिव देना चाहिए, यानी कि उनको अलग से वेतन के अतिरिक्त एक पैसा देना चाहिए जिससे उनका मोराल जो है वो ऊपर उठ सके। मान लीजिए कि
काम करने वाले ही आइटम में हम आते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आइटम में एक मिस्त्री, चार मिस्त्री है और चारों मिस्त्री को ये टारगेट दिया है कि एक एक 1,000 ईंटा आपको डेली गाथना है और क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो क्वालिटी में गाथा जाता है उसी क्वालिटी में गाथना है। अगर एक वर्कर पूरा का पूरा 1,000 ईंटा गाथ देता है, दूसरा वर्कर 1,000 के बजाय 800 गाथता है, तीसरा वर्कर 1,000 के बजाय 1,200 गाथता है और चौथा वर्कर 1,000 के बजाय 1,100 गाथता है, तो वैसी स्थिति में जो 1,000 स्टैंडर्ड वर्क था, ये जो 1,000 ईंटा था ये स्टैंडर्ड था, परमापित काम था, और एक्चुअल वर्क क्या है, एक ने 800 किया, एक ने 1,000 किया, तीसरे ने 1,100 किया और चौथे ने 1,200 किया, तो जो 800 किया है वो वर्कर क्या है, स्टैंडर्ड के माप को पूरा नहीं कर पाया, जो 1,000 किया वो लगभग स्टैंडर्ड के बराबर उसका एक्चुअल वर्क है, और दूसरा बाकी तीसरा और चौथा जो वर्कर है जो 1,100 किया और जो 1,200 किया वो स्टैंडर्ड से बियॉन्ड किया, तो जो स्टैंडर्ड वर्क से एक्चुअल वर्क ज्यादा करता है उसको हमेशा एक इंसेंटिव देना चाहिए, एक सैलरी के अतिरिक्त पैसा देना चाहिए ताकि उसका मोराल बढ़े, और उसके पीछे जो दो वर्कर और छूट गए उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि वो अच्छे ढंग से काम किया है, तो हमको भी शायद अच्छे ढंग से करना चाहिए था, तो वेतन के अतिरिक्त हमको भी कुछ अधिक पैसा मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव मिलना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर कोई वर्कर अपने टारगेट से एक्चुअल में ज्यादा काम करता है तो वैसे स्थिति में उसे इंसेंटिव देनी चाहिए, और ये इंसेंटिव डिपेंड करता है क्वालिटी पर भी और क्वांटिटी पर भी और टाइम पर भी। अगर किसी को आप कहें कि 8 घंटा में ये काम करना है, वो 6 ही घंटे में कर दिया, उसको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए क्योंकि वो 2 घंटा बचा दिया। किसी को आप कहते हैं कि 10,000 यूनिट का आउटपुट होना है, वो अगर 11,000 यूनिट का उसी क्वालिटी में आउटपुट कर देता है तो निश्चित तौर पर उसको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। किसी को अगर आप 1,000 ईंट गाथने के लिए कहते हैं और वो 800 ईंट गाथता है तो उसको नॉर्मल वेजेज मिलना चाहिए, उसको इंसेंटिव वेजेज नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने टारगेट से ज्यादा काम नहीं किया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये तरीका बताता है कि आपको 200 ईंट गथवाने का फायदा हुआ, जो दूसरा दिन वर्कर लगता अगर उसमें आपकी 100 रुपये मजदूरी जाती, आप उसमें से अगर 50 रुपये ही उसको दे देते इंसेंटिव में तो 50 रुपया तो फिर भी आपका बच गया, इसलिए इंसेंटिव वेजेस देना चाहिए एज पर साइंटिफिक मैनेजमेंट। 7th कैरेक्टरिस्टिक्स में कहता है एफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी फैक्ट्री में किसी भी कंपनी में किसी चीज को बनाने के लिए उसका कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रॉफिट को दो तरीके से आप बढ़ा सकते हैं किसी भी बिजनेस में। पहला तरीका है प्रॉफिट बढ़ाने का, सेल प्राइस को बढ़ा दीजिए, बिक्री मूल्य को बढ़ा दीजिए, लाभ बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए, लाभ उससे भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये दोनों ही बड़ा खतरनाक है, शंकर जी के त्रिशूल के जैसा है। आप खड़े भी हैं तो त्रिशूल के धार पर खड़े हैं, अगर लेफ्ट भी गिरेंगे तो भी मरेंगे, राइट भी गिरेंगे तो भी मरेंगे। अगर सेल प्राइस को बढ़ाइएगा तो मार्केट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि जो आपका कॉम्पिटिटिव दुकानदार है वो उसी दाम पर वस्तु को बेचेगा, आपका सारा कस्टमर भाग जाएगा। तो सेल प्राइस बढ़ाते प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर घटाइएगा, लागत मूल्य को घटाइएगा, तो हो सकता है कि क्वालिटी वस्तु का खराब हो जाएगा, और जब क्वालिटी खराब हो जाएगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, डिसेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, और वैसे स्थिति में कस्टमर हो सकता है कि आपको फिर छोड़ के भाग जाए। इसलिए कॉस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्ट हमेशा आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम रखें, कॉस्ट को अगर मैक्सिमम आप करते हैं तो बिजनेस को चला पाना मुश्किल होगा। कॉस्ट अगर आप मैक्सिमम करते हैं तो बिजनेस को चला पाना मुश्किल होगा, बिजनेस चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए कॉस्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि कॉस्ट पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अरेंजमेंट ऑफ इसेंशियल एंड गुड मटेरियल। काम करने के लिए जो भी आवश्यक संसाधन की जरूरत है, जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, वो अच्छे स्थिति में होने चाहिए और रेडी टू यूज होना चाहिए। रेडी टू यूज का मतलब कि उस रिसोर्सेज का, अगर उस टूल्स का हम यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम यूज करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कि पता चले कि उस टूल्स को यूज करने के पहले उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अभी बाकी रह गए थे। अगर कॉन्फ़िगरेशन बाकी रह गए थे तो पता नहीं वो कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है कि नहीं आता है, ये तो दूर की बात है, यूज होने में बहुत समय बीत जाएगा। अगर हमने लैपटॉप को परचेज किया, ऑफिस में रन कर रहे थे, तो वो लैपटॉप रेडी टू यूज होना चाहिए, न कि पता चले कि उसमें कोई प्रोग्रामिंग अभी बाकी है। अगर प्रोग्रामिंग बाकी है तो आपको तो प्रोग्रामिंग अब नहीं आता होगा, तो वैसे इसको तो आप कैसे रेडी टू यूज करेंगे।
इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि जो भी सामान आए, जो भी रिसोर्सेज, जो भी टूल्स आप यूज करें, वो रेडी टू यूज होना चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए और बिल्कुल अच्छी हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सामान ही खराब है तो उसको ठीक करने में ही 4 दिन चला गया, उसको बनाने में ही 5 दिन बीत गया, तो पता चलेगा कि वो सामान नहीं बन पाएगा और काम भी नहीं हो पाएगा, वर्कर बैठा रह जाएगा। नेक्स्ट उसी का एक पार्ट है सुटेबल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जो कारखाने के छोटे छोटे औजार होते हैं वो भी सुटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक हम पेचकस खरीदे उससे कोई नट ही नहीं खुल रहा है तो अभी हम चले वो पेचकस को बनाने के लिए, अगर हम पता चला कि प्लास लाए और उस प्लास से कोई नट पकड़ा ही नहीं रहा है, वो फंस फंस जा रहा है, नट छूट जा रहा है, तभी हम प्लास बनाने में ही समय बिता देंगे तो काम कैसे होगा। तो जो टूल्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो रिसोर्सेस है, वो रेडी टू यूज होना चाहिए, बिल्कुल काम करने के सामान होना चाहिए, न कि हमको उसको टूल्स को ठीक करने के लिए समय बिताना है, टूल्स को ठीक करने के लिए पैसा लगाना है, टूल्स को ठीक करने के लिए अपने एम्प्लॉय को एंगेज करना है, तो आपका मेन जो काम है वो तो छूट जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, परमापीकरण। आपको पहले कहा है इंसेंटिव वेजेस सिस्टम में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि कोई भी काम का स्टैंडर्ड पहले तय होना चाहिए कि जो आप काम करना चाह रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। अगर स्टैंडर्ड नहीं तय होगा तो लोग तो बस यूं ही रोड पर चले जाएंगे। अगर हमारा स्टैंडर्ड तय है कि हमको 10,000 ईटा दिन भर में आज उत्पादन करना है तो हम शुरू से ही लोग वो व्यवस्था शुरू कर देंगे 10,000 ईटा बनाने के लिए, उतना मट्टी लाना है, उतना उसको पानी में भिगोना है, उसका अपना साँचा बनाना है, साँचा बना के भट्टी पर डालना है, भट्टी में डालने के बाद उसमें कोयला डालना है, फिर उसको आग लगाना है, फिर उसको पकाना है, ये बहुत कुछ हमको पहले से प्लानिंग के तहत बना लेना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ का स्टैंडर्ड तय नहीं है, बस सुबह आए और काम में लगे, ये पता नहीं कि आज क्या करना है, जैसे कल किया था वैसे आज भी करना है, तो वैसे स्थिति में कभी भी आप अपने ऑब्जेक्ट को जल्दी नहीं पूरा कर पाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट को पूरा करना। नेक्स्ट है हेल्दी एटमोसफेयर इन द कंपनी। कंपनी में हमेशा वातावरण जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। अगर वहाँ पर गर्म बहुत लगता हो तो बगल में एसी की व्यवस्था कर देनी चाहिए, अगर वहाँ पर ठंडा बहुत लग रहा हो तो बगल में हीटर की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अगर महिलाएं अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए आ रही हैं तो वो महिलाओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग से रूम की व्यवस्था कर देनी चाहिए। उस वर्क प्लेस पर अगर बहुत अधिक संख्या में महिला और पुरुष है तो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय और टॉयलेट और यूरिनल की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अगर वहाँ पर लगातार बारिश हो रहा है, चेरापूंजी और मेघालय जैसा जगह है, तो ये कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको रेनकोट या बरसाती या छाता वगैरह का व्यवस्था करा दें जिससे वो सुटेबल हो सके। तो वातावरण अगर हेल्दी होगा तो काम करना उतना आसान होगा। अगर वातावरण ही खराब होगा, बहुत अधिक गर्मी लगेगा, बहुत अधिक ठंडा लगेगा, बहुत अधिक बारिश हो रही होगी, तो पता चलेगा कि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है तो हम घर से ऑफिस तक आए कैसे, हम अपने वर्क प्लेस तक पहुँचे कैसे, तो ऐसे स्थिति में वर्क प्लेस तक पहुँच पाना दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम ठंड से ठिठुर ही रहे, काम नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम पसीना ही दिन भर पोंछ रहे हैं, पंखा ही झेल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो काम करने के लिए इन्वायरमेंट का हेल्दी होना जरूरी है जो आपके शरीर को सूट कर सके। अगर आपके शरीर को नहीं सूट कर सकता है तो वहाँ पर काम होने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट है मेंटल रिवोल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगला कॉन्सेप्ट है मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। दिमाग में क्रांति लाना पड़ेगा। क्रांति का मतलब है कि आपको हमेशा इनोवेटिव होना पड़ेगा। इनोवेटिव का मतलब है कि हमेशा आपको अपने आप में नयापन लाना पड़ेगा। आप देखिए कि कभी भी आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो आपकी आत्मा एक सुखद अनुभूति की तरफ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि सचमुच में हमने आपने आज ड्यूटी का पालन किया है। अगर आप अपना काम नहीं करते हैं तो शायद आपकी आत्मा भी आपको थैंक नहीं करती है। आपकी आत्मा तभी आपको थैंक करती है जब आप अपना काम अपने ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर ईमानदारी से नहीं कीजिएगा, जो वर्क आपको अलॉटेड है वो वर्क नहीं कीजिएगा, जिस स्टैंडर्ड के तहत आपका अपॉइंटमेंट है अगर वो अपॉइंटमेंट के अनुसार आप काम नहीं कीजिएगा, आप अपने दिमाग में क्रांति अगर नहीं लाएगा। दिमाग का क्रांति का मतलब है डिस्ट्रक्टिव वर्क में क्रांति नहीं लाना है, इंस्ट्रक्टिव वर्क में लाना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क में लाना है। यानी कंस्ट्रक्टिव काम में अगर आप क्रांति लाते हैं, आपके पास नया नया नॉलेज आता है, आप उसमें अपने फैक्ट्री के दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने एम्प्लॉयर को बताते हैं, तो ये एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। अगर आपके पास क्रांति आएगी और डिस्ट्रक्शन अगर आप शुरू कर दिए, डिस्ट्रक्टिव माइंड को अगर आप अडॉप्ट कर लिए,
तो क्रांति वहां पर पतन की शुरू हो जाती है। इसलिए पतन की तरफ नहीं चलिए, आप अपने उत्थान की तरफ चलिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में जो भी इनोवेटिव आइडियाज है, जो भी नई नई जानकारी है, उससे हम जितना अधिक हो सके उत्थान कर सके। इसके लिए मतलब मानसिक क्रांति का मतलब आप समझ गए होंगे कि दिमाग में हमेशा नयापन आना जरूरी है। और लास्ट प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहले के सिस्टम में ऐसा होता था कि जो एम्प्लॉयर होता था वही ऑल इन ऑल होता था। ही इज द बॉस, ही इज द ऑनर, ही इज द एम्प्लॉयर। बट नाउ कॉन्सेप्ट बदला है, अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, जो अगर आपके हित की बातें नहीं है तो हो सकता है वो आपके खिलाफ, अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। वो लीगल होने चाहिए, मांगे जो है वो लीगल होने चाहिए, इलीगल मांग नहीं होनी चाहिए। अगर मांग लीगल होगी तो वैसे स्थिति में एम्प्लॉयर के समक्ष एम्प्लॉय अपने संगठन के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो उनका बॉडी बना होगा उसके साथ वो मांग रख सकते हैं। और ये मांग जो है वो हमेशा तर्कसंगत होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो लगभग इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या प्रिंसिपल बोलिए। अब इसके बाद आता है कि जो पहले का ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था और आज का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। बहुत सारे डिफरेंसेस है, हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लास पूरा लग जाएगा कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आई विश कि आज का टॉपिक कुछ समझ में आया होगा।